हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग CCC क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग। एट दिस चैनल यू विल गेट लॉट्स ऑफ किचन टिप्स, कुकिंग रेसिपीज, क्राफ्ट आइडियाज, किटी गेम्स आइडियाज एंड मैनी मोर। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी लेकर। आज की मेरी रेसिपी है, एक थोड़ी सी ट्विस्टेड रेसिपी होने वाली है, क्योंकि आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो ना तो मैं मैदा का यूज़ करके बना रही हूँ, ना ही खोया का यूज़ कर रही हूँ, और ना ही कंडेंस मिल्क का, ना ही मिल्क पाउडर का, और जबकि बन रही है ये स्वीट डिश। तो आप ये गेस कर सकते हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं जिससे हमारी स्वीट डिश भी बन गई और इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो थोड़ी सी है ट्विस्टेड, और सबसे बड़ी बात ये केवल हमको 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और आप इतनी स्वीट डिश, इतनी टेस्टी, मार्केट से भी अच्छी स्वीट डिश आप घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं, और वो भी 10 मिनट्स में। तो इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा ये वीडियो। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस इंग्रेडिएंट का मैंने इसमें यूज़ किया है थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और आपके घर में बहुत ही इजीली मिल जाता है। और होता क्या है, कई बार हमारा मीठा खाने का मन होता है बट हम सोचते हैं कि यार स्वीट डिश बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम सोचते हैं कि ठीक है मार्केट से परचेज कर लेते हैं। बट ये रेसिपी देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये रेसिपी 10 मिनट्स में रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने कल इस रेसिपी को बनाया और अपने हस्बैंड को खिलाया, तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए किस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया है, मतलब क्या मेन इंग्रेडिएंट है। तो वो इसको गेस नहीं कर पाए, एंड आई एम डैम श्योर कि अब जिसको ये खिलाने वाले हैं वो भी इसको बिल्कुल गेस नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े से मजे ले लीजिएगा आप भी जिसको ये आप खिलाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चलिए इसकी क्विक से रेसिपी। और उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे कि मैं हमेशा आपसे करती हूँ, कि अगर आपको मेरे वीडियोस आए पसंद तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। क्यों? बिकॉज मेरे चैनल पर होते हैं रोज़ एक वीडियो अपलोड, और या तो हो सकती है कोई टिप, या फिर कोई ट्रिक, या फिर कोई रेसिपी, या फिर कोई किटी गेम। तो मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी क्विक रेसिपी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेड़े कितने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं देखने में, और साथ ही बने भी बहुत डिलीशियस हैं। और सबसे मेन बात है कि आप इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं नो फ्लेम कुकिंग में भी। जैसे कि आजकल सभी स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते ही रहते हैं, तो मम्मीज को प्रॉब्लम होती है कि यार क्या डिश बनाई जाए, तो आप ये डिश वहाँ पर पेश कर सकते हैं, और आई एम टेलिंग यू कि आपको इसमें बहुत अच्छा सा प्राइस भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास चने, जो जनरली आप लोग घर में खाते ही हैं, तो ये चने आपको घर में बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस टाइप से इसके जितने भी छिलके हैं उनको अलग कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको मार्केट में इस टाइप से छिलके उतरे हुए भी मिलते हैं, बट मैंने ये जो चने तैयार किए हैं ये मैंने अपने हाथ से ही इनका छिलका उतारा है, और फिर इसके बाद इन चनों को रेडी कर लिया है। अब हमें इन चनों को करना है मिक्सर ग्राइंड। तो मैंने यहाँ पर ये चने लिए और इनको मैंने मिक्सर जार में डालकर इसको कर देना है अच्छे से चर्न, और मुझे बनाना है इसका एक पाउडर। इसको ईस्ट साइड में सत्तू भी कहते हैं, तो आपको ये मार्केट में बना बनाया पाउडर भी मिल सकता है, तो आपको ये रेसिपी बनाना और भी इजी हो जाएगा। बट क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि रेसिपी कैसे बनानी है, तो मैंने यहाँ पर इसको चने लेकर उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो जब ये पाउडर फॉर्म में आ जाए तब मैं इसको चेक करना है कि ये क्या प्रॉपर्ली डन हो गया है या नहीं। अगर प्रॉपर्ली नहीं हुआ है तो हम इसको एक बार और चर्न कर लेंगे, और हमें इसको एकदम पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो इस बार मैंने एक और बार इसको अच्छे से चर्न कर लिया है और ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है जिसके अंदर मुझे ये मिक्सचर डालना है। तो सबसे पहले मैं एक बोल में निकाल लूँगी इस मिक्सचर को, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी लेनी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बोल है, उसमें मेरे को इस पाउडर को निकाल लेना है जिसको सत्तू भी कहते हैं। तो 1 बोल मेरे पास है ये सत्तू, और अब मैं लूँगी चीनी। चीनी को आपको पाउडर फॉर्म में लेना है। तो पाउडर शुगर बनाने के लिए सिंपल, आप चीनी को भी इस टाइप से मिक्सर जार में डालिए और इसको एक बार अच्छे से चर्न कर दीजिए। विद इन सेकेंड आपके पास आपका शुगर पाउडर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, ये आपका शुगर पाउडर बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको भी निकाल लीजिए एक बोल में। तो मैंने यहाँ पर इसको भी एक बोल में निकाल लिया है, और आपको क्वांटिटी कुछ इस टाइप से लेनी है कि अगर आपके पास 1 बोल चने का पाउडर है तो आपके पास 1/2 बोल पाउडर शुगर होनी चाहिए, और पाउडर शुगर से 1/2 आपके पास होना चाहिए घी। तो यहाँ पर मैं घी थोड़ा थोड़ा करके लूँगी,
और जितना मेरे को रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं ऐड करती जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं जो घी है बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में नहीं है, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको एकदम मेल्टेड फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा फ्रीज में रख दीजिए, सो दैट कि ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म से थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए और फिर आपको इसे इस टाइप से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अगर आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स पहले से ही हैं, जैसे कि पाउडर शुगर आजकल घरों में सबके पास होती ही है, और ये सत्तू जो कि चने का आटा है ये भी आजकल सभी के पास होता है, तो आपको ये रेसिपी बनाना और भी ईजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे पास भी ऑलरेडी रेडी थी, बट क्योंकि मुझे आपको ये रेसिपी एकदम स्टार्टिंग से बतानी थी इसलिए मैंने आपके साथ सब चीज़ें शेयर की। तो अब मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया है ये इलायची पाउडर और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये आपकी चॉइस है, आप ऐड करना चाहें तो कीजिए, नहीं करना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ा सा पिस्ता का जो क्रश है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इनको भी अब मुझे कर लेना है अच्छे से मिक्स। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस टाइप से ये पेस्ट फॉर्म में आ गया है। जब एकदम पेस्ट फॉर्म में आ जाए तब आपको ऐड करना है इसके अंदर ये चने का आटा और इसको भी अच्छे तरीके से इसी टाइप से मिक्स कर लेना है। और इसको आप करिए हाथ से अच्छे से मिक्स, तो ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स होता है। और आपको इसको बनाना है एक आटे की लाइक कंसिस्टेंसी। अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा रूखा टाइप का लग रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिए। आप इसमें इस टाइम पर वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कीजिए, नहीं चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। बट वेनिला एसेंस ऐड करने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा सूखा लगा तो मैंने इसके अंदर 2 स्पून घी और ऐड किया है। अब आप इसको देख लीजिए कि कब आपको पता चले कि बिल्कुल रेडी है। तो मैंने यहाँ पर इसको एक पेड़ा बनाकर देखा और जब मैंने उसको बांधने की कोशिश करी लाइक दिस और अब मैंने इसको रोल किया तो ये जो है इस टाइप से क्रैक्स आ रहे हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ अगर मैं इसको इस टाइप से रोल कर रही हूँ ये तो पूरा टूट गया। इट मीन्स कि अभी इसके अंदर थोड़े से घी की रिक्वायरमेंट और है। तो ये घी आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कीजिए, आपको कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए कि कितना होना चाहिए। जब ये एकदम आटे के जैसा हो जाए, आप इसके अंदर पंचेस कर सकें, तो आप समझ जाइए कि आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। तो घी इसके अंदर टोटल इतना ही लगाए कि अगर हमारे पास 1 कटोरी ये चने का आटा था, आधी कटोरी चीनी थी, तो 1/4 कप हमारे पास घी था। इस क्वांटिटी में, इस रेशो में आपको इसे लेना है। बस ये बिल्कुल रेडी है। अब आप देखिए इसके पेड़े मैं बना रही हूँ, तो कुछ इस टाइप से जैसे हम लड्डू बनाते हैं इस टाइप से आपको इसको प्रेस करना है और बस उसके बाद आप इसे मनचाही शेप दे सकते हैं। बहुत ही ईजी है बनाना और बहुत ही झटपट ये रेसिपी रेडी हो जाती है। जस्ट लुक एट दिस, कितने टेस्टी पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट हैंड साइड में है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ सब्सक्राइब्ड, और यहाँ पर है ये बेल आइकॉन, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका मैसेज सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं कोई भी कमेंट्स तो आप इस वीडियो को स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पर नीचे की साइड आएगा कॉमेंट्स ऐड करने के लिए, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वो भी लिखिए, बुरा लगा तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। आपके कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, सो प्लीज़ कॉमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं कि पेड़े एकदम रेडी हो गए हैं। इस टाइप से आप सारे के सारे पेड़े बनाकर डन कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप किसी भी टाइम, कभी भी, जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तभी आप इसको बनाकर रेडी कर लीजिए। बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही क्विक है और बहुत ही टेस्टी है। इसमें वेनिला एसेंस ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जनरली बच्चों को वेनिला एसेंस का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, वेनिला आइसक्रीम्स अच्छी लगती हैं, तो अगर आप इसमें वेनिला फ्लेवर ऐड कर देते हैं तो ये और भी टेस्टी उनको लगने वाले हैं और आप कभी भी इसको बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। बस जब ये हो जाए बिल्कुल रेडी तब आप इसके ऊपर थोड़े से ये पिस्ता लगा दीजिए, सो दैट कि ये देखने में भी अच्छे लगे और खाने में तो अच्छे लगेंगे जब ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो बस इस टाइप से आपने ऐड कर देने हैं इसके अंदर सारे ये ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर पिस्ते को ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो बादाम भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस से। एक बार इसको बनाइए, ज़रूर खिलाइए अपने परिवार में और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी ये क्विक से ट्विस्टेड से रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा वेट रहता है, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।